और टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे से आपका परिचय करवा रहा हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रह्म कमल। ये देखिए, ये मेरे दोस्त हैं सतारा में, श्री अनिल यादव जी, उन्होंने मेरे लिए मुझे गिफ्ट किया है ये ब्रह्म कमल का पौधा। और बहुत ही अच्छा पौधा दोस्तों, आपने देखा होगा अधिकांश जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग दिन में करते हैं, लेकिन ये ब्रह्म कमल है ये रात में फ्लावरिंग करता है। और ऐसा पौधा दोस्तों बहुत ही कम केयर में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और आप एक बार अपने घर में लगा लिया उसके बाद इसको दोबारा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोपेगेट हो जाता है। इसकी जो लीव्स है इसी से इसका पौधा प्रोपेगेट होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार की मिट्टी में इसको लगाया जाता है, किस प्रकार से इसकी केयर की जाती है, और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और किस प्रकार के क्लाइमेट में ये डेवलप होता है, कहाँ इसको रखना चाहिए, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में, अंत तक स्किप ना कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, ये देखिए आप, इस प्रकार की हमें ये मिट्टी लेनी है, गार्डन सॉइल। इसके लिए चाहिए वेल ड्रेन मिट्टी जिसमें पानी का ठहराव कम से कम हो। ये देखिए इस प्रकार की मिट्टी बहुत ही नरम, ये देखिए। और ये लिया हमने जो हमारा देसी खाद, जो हमारा गोबर की सड़ी हुई खाद है, साल भर पुरानी, जो कंपोस्ट हो चुकी है दोस्तों। हमें 70% लेना है जो हमारी सॉइल है ये गार्डन सॉइल, और 30% लेना है हमें ये गोबर की सड़ी हुई खाद। इनको मिला लेना है इस प्रकार से, ये देखिए आप, इस प्रकार से मिला देना है। इस प्रकार से हमें तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो ये मिक्सचर तैयार हो गया है, हमारी गार्डन सॉइल और देसी खाद का। इसके बाद हमें अगर मैं पॉट की इसके पॉट की बात करूं तो कितने इंची का पॉट इसके लिए सुटेबल रहता है जिसमें ये अच्छी फ्लावरिंग कर सके। तो दोस्तों ये ऐसा पौधा है, इसको थोड़ा पॉट बड़ा चाहिए, छोटे पॉट में ये फ्लावरिंग करता है लेकिन फ्लावरिंग की जो साइज है वो छोटी रह जाती है। तो इसके लिए आपको लेना है करीबन, ये देखिए मेरे पास है ये 12 इंची का पॉट, तो कम से कम 12 इंच का पॉट लेना चाहिए। और इसके लिए मैं अगर पॉट की बात करूँ तो किस प्रकार की सपोर्ट इसके लिए अच्छा रहता है, तो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों मिट्टी का पॉट। उसके बाद अगर मिट्टी का नहीं मिल रहा तो आप सीमेंट का ले सकते हैं, सीमेंट का मिल रहा तो आप प्लास्टिक का ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है वो है मिट्टी का। तो मिट्टी का यह उपलब्ध नहीं था तो मैंने ये सीमेंट खरीदा। और पॉट में ये छेद होना आवश्यक है, ये देखिए छेद होना, और इस प्रकार का आप एक पत्थर या कंकड़ डाल लें जिससे कि छेद हमारी बंद ना हो इस प्रकार से। और ये मिक्सचर है, इससे हमें क्या करना है, इसको 50% बढ़ देना है पहले इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, ये पौधा इसको बड़े सावधानी से हमें पन्नी से इसके पॉलीथीन है इससे निकालना है। ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने यादव जी ने मुझे एक कोकोपीट में भेजा है, क्योंकि वजन की वजह से मैंने कई पौधे, उन्होंने और भी बहुत सारे पौधे मुझे भेजे थे, तो उन्होंने कोकोपीट में इसको मिट्टी से लेकर कोकोपीट में भेजा था। तो फिर भी आप रूटिंग देखिए इनकी, ये नई नई रूटिंग्स कितनी अच्छी हो रही है, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे पौधे भेजे, और मुझे मैं फिक्र करता हूँ उन पर, मतलब घर में मुझे, कि अभी उनकी बहुत कम उम्र है, उसके बावजूद भी उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान है नर्सरी का, बहुत अच्छी रूटिंग्स परमिट हुई है कोकोपीट में भी। और इसको क्या करना है, ये देखिए अभी आपको ये थोड़ा प्रेस कर देना, पहले प्रेस करने से क्या होगा इसमें एयर नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से थोड़ा प्रेस कर देना है, और प्रेस करने के बाद इस पौधे को हमें, अभी मैं इसका टैग हटा लूँगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, बीचों बीच रखना है इस प्रकार से, बीचों बीच रख लिया हमने। और फिर ये चारों तरफ से जो हमारा मिक्सचर है इसको भर देना है। अगर आप इसी प्रकार का हेल्दी अगर प्लांट्स ब्रह्म कमल का या और पौधे लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो तो मेरे दोस्त हैं उनकी नर्सरी का पूरा एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो होलसेल और रिटेल दोनों में पौधे बेचते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
ये देख, इस प्रकार से सीधा रखना है इसको। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखिए हमारा जो ब्रह्मकमल का पौधा है मैंने इसमें लगा दिया है, और इसमें आगे जब भी इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी, फ्लावरिंग होगी, तो उसका मैं अपडेट आपको समय समय पर देता रहूँगा। और अगर मैं खाद की बात करूँ तो इसमें एक्स्ट्रा कोई खाद आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, मैं अगर इसमें रोगों की बात करूँ किस प्रकार के डिसेज इसमें रोग आते हैं, तो दोस्तों इसमें वैसे विशेष रूप से इसमें कोई रोग आता नहीं है। इसमें एक रोग थोड़ा सा आता है, वो है मिलीबग, तो उसको आप नीम ऑयल या और भी कई प्रकार की कीटनाशक आते हैं उनका छिड़काव करके उसको आप रोक सकते हैं। और इसमें कोई विशेष दोस्तों केयर की आवश्यकता नहीं होती है। ये पौधा आप साल में करीबन 3 से 4 बार फ्लावरिंग करता रहता है, अगर आप इसकी प्रॉपर अगर आप केयर करेंगे 3 से 4 बार इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। दूसरी बात, जो फ्लावर आता है वो खिल जाता है, उसके बाद वो क्या करना है कि इसके उसके फ्लावर उसको तोड़ देना है। उसके बाद क्योंकि उसमें दूसरे जो फ्लावर आएंगे उनको पावर तभी मिलेगी जब उसको तोड़ देंगे, नहीं तो वो एक्स्ट्रा पावर उसको लेता रहेगा। तो ये आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको इसका जो फ्लावर है वो रात्रि में ही खिलता है, और सुबह आप देखेंगे तो वो मुरझा जाएगा, उसका फूल फ्लावर है जो। तो ये विशेष बात है, जब रात में आप देखोगे इसको चांदनी में, तो आपको आपकी घर जो आपका सुंदरता है आपके घर की, वो चार गुणी कर देगा। ये मैं जब भी इसमें फूल ऑफरिंग आएगा तो मैं उसका वीडियो भी आपको शूट करके ज़रूर दिखाऊंगा। और दोस्तों इसको किस प्रकार से इसका पौधा और इसके पौधे से प्रोपेगेट करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। लास्ट में क्या करना है हमें कि इसमें जो पानी डालेंगे उसमें हमें मिलाना थोड़ा फंगिसाइड, क्योंकि पौधे अधिकांशतः जो मरते हैं वो फंगस की वजह से मरते हैं। तो मैं अभी पानी डालूँगा, उसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैं किस प्रकार से उसमें फंगिसाइड कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए। दोस्तों लास्ट में हमें करना क्या है, जो हमें इसमें जो वाटरिंग करनी है, अभी मानसून सीजन चल रहा है सितंबर का, हालांकि मिट्टी काफ़ी गीली है लेकिन हल्का पानी तो हमें डालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये फंगिसाइड लिया हमें, देखिए इस प्रकार का एक जगह पानी ले लिया, उसमें एक फंगिसाइड मिला रहा हूँ इस प्रकार से। आप इस फंगिसाइड को जड़ में भी देना है और ऊपर भी, उसमें जो इसके पत्ते हैं इनमें भी आप डाल सकते हैं, इससे ऊपर से कोई फंगस में अटैक नहीं करेगी। तो इसको पानी कैसे देना है ये देखिए, ऊपर से नहीं देना, डायरेक्ट इस प्रकार से हाथ लगा के देना है थोड़ा थोड़ा। और इस प्रकार से हल्का हल्का इन पर मार देना, इससे कोई बरसात से कोई फंगस भी अगर इसमें ऊपर से लगेगी तो वो भी नहीं लगेगी। दोस्तों ये इस पौधे को आपको क्या करना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, जो डायरेक्ट सनलाइट हो बिल्कुल जिसका टेम्परेचर करीबन 40 अबव हो उसमें इसको नहीं रखना है। उसमें उस दौरान आपको इसको शेड एरिया में रखना है या किसी पेड़ के नीचे रखना है। अभी नॉर्मल 40 से कम है तो उसको आप रख सकते हैं, 40 से कम में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है और ये पौधा आपके आजीवन चलता रहेगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करते रहिए, कभी ख़त्म नहीं होगा। धन्यवाद।